राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि हाल ही में गुजरात चुनाव परिणाम में कांग्रेस की करारी हार के बाद गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी स्थिति में हरीश चौधरी की मुश्किलें भी बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस ने हरीश चौधरी के नेतृत्व में पंजाब में चुनाव लड़ा था और कांग्रेस की 25 सालों में सबसे बड़ी हार हुई थी। बावजूद इसके हरीश चौधरी पंजाब प्रभारी के पद पर बरकरार है। ऐसे में अगर रघु शर्मा का इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष स्वीकार करते हैं तो हरीश चौधरी पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ जाएगा। इससे पहले हरीश चौधरी को जब कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था उस समय गहलोत सरकार में हरीश चौधरी कैबिनेट मंत्री भी थे। उन्होंने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तत्कालीन चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस्तीफा दे दिया था। जब 9 नवंबर को ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर कैबिनेट की बैठक में संशोधन का फैसला नहीं हुआ तो हरीश चौधरी ने गहलोत सरकार पर खुलकर वार किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और मुख्यमंत्री पद पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। उसके बाद से हरीश चौधरी लगातार गहलोत की खिलाफत कर रहे हैं तो दूसरी ओर सचिन पायलट के साथ हरीश चौधरी की नजदीकियां साफ तौर पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दौसा जिले में प्रवेश कर चुकी है। लोगों में यात्रा का काफी उत्साह दिखा और लोग उत्साह से राहुल गांधी का इंतजार करते हुए भी दिखाई दिए। दौसा में प्रवेश करते ही लालसोट विधानसभा क्षेत्र के बगड़ी में राहुल गांधी की नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया। सभा के दौरान राहुल गांधी ने गहलोत समर्थित नेताओं को बड़ा मैसेज दिया है। नुक्कड़ सभा के दौरान मंच का संचालन मंत्री ममता भूपेश ने किया। लालसोट से विधायक और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भी मंच से भाषण दिया। उन्होंने भाषण शुरू करते ही गांधी नेहरू की बात की। उन्होंने कहा, उस परिवार का सपूत आज हमारे धरती पर दर्शन देने आया है, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। मंत्री ने इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के बारे में भी बात कही। उन्होंने आगे कहा कि 2018 में बनी अशोक गहलोत सरकार के नेतृत्व में हमने सारे काम किए। बीजेपी के लोग कहते हैं किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूँ हमने कोऑपरेटिव बैंक के कर्ज माफ कर दिए हैं। अगर एक भी किसान कह दिया हो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। आगे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बोलते हुए कहा, जो आजादी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमें मिली वे अब खतरे में पड़ रही है। डोटासरा ने कहा, राहुल गांधी की दादी जी ने देश की अखंडता के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। उनके पिता देश की एकता के लिए शहीद हो गए। मैं कहना चाहता हूँ, या तो आजादी के लिए या तो महात्मा गांधी आए थे जिसने देश को आजाद किया था, या फिर आज हमारा नेता राहुल गांधी आए हैं। वही राहुल गांधी ने बोलते हुए कहा कि डोटासरा जी ने गांधी जी और मेरी तुलना की, ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी की जगह कहीं और है और मेरी कहीं और है। इस तरह तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे महान व्यक्ति थे। उन्होंने आजादी के लिए अपनी जिंदगी के 10 साल जेल में काटे। उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता और उनके साथ मेरा नाम नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।